बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपका मेज़बान अली हसन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। बड़ी अफसोसनाक बात हुई है, बड़ा क्या कहते हैं काबिल मज़म्मत एक्ट हुआ है, जो कल जो सारा दिन हमने लाहौर में देखा है, लाहौर की सड़कों पर वो एक याद ताज़ा हुई है जो 25 मई को हुआ था, और उससे पहले भी एक याद ताज़ा हुई है जो हमने देखा था मॉडल टाउन में, जो मॉडल टाउन में बर्बरियत जुल्म किया गया था सिर्फ तजावजात से थोड़ी सी वो क्या कहते हैं हटाने के लिए, जो वहाँ पर लोग थे क्या कहते हैं मिनहाजुल कुरान के, जो एक पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे थे तारिक कादरी साहब के, तो उनके ऊपर फिर 100-200 लोगों के ऊपर गोलियां चला दी गई और उसमें हमला औरतें भी थी, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे और हर तबका फिक्र के लोग उसमें थे। तो आपने देखा कि आज तक इतने साल गुजर जाने के बाद उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला। ये है पाकिस्तान का कानून। अगर कोई एक सियासी पार्टी, खास करके मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ साहब, ये ऐद कर लेते हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए या मुझे ये काम करना है, तो फिर पाकिस्तान का पूरा निज़ाम, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो इंतज़ामिया है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, कोई भी है, पूरे का पूरा निज़ाम उनको इंसाफ देने में लग पड़ता है। अगर वो ये फैसला कर लें तो उनको मिलता भी है, अगर वो भी इरादा कर लें कि हमने ये काम करना है, तो वो फिर पूरे का पूरा निज़ाम उनको क्या कहते हैं उस काम में जुट जाता है कि ये काम इन्होंने करना है, अब हम इनके पीछे खड़े हैं। इसी तरह अब इलेक्शन कमीशन को पहले इन्होंने साथ मिलाया कि इलेक्शन हम मुलतवी करें, इलेक्शन डिले करें, इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जर बेंच बैठा, उसने एक फैसला सुनाया कि आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन करने हैं, और पाबंद कर दिया इलेक्शन कमीशन को। अब इलेक्शन तो होने हैं, इलेक्शन से राय फरार तो हो नहीं सकती, कोई भी पीछे ताकतवर शख्स है जो भी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ चुका है कि आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं। तो हुआ क्या कि इलेक्शन की तारीख दे दी गई पंजाब में 30 अप्रैल को इलेक्शन, यानी कि ईद के एक हफ्ते के बाद इलेक्शन की डेट दी गई। अब इसमें है ये कि जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है तो फिर जाहिर है जितनी भी सियासी पार्टीज होती हैं उन्होंने अपनी सियासी कंपेन करनी होती है, वो चाहे क्या कहते हैं छोटा एक शख्स इंडिपेंडेंट भी खड़ा हो रहा है और उसको भी सियासी कंपेन करने का हक है, आइन देता है, कानून देता है, डेमोक्रेसी है, ये किंगशिप नहीं है, आमरीत नहीं है, इसमें डेमोक्रेसी में उसको राइट मिलता है कि वो प्रोटेस्ट भी करे प्रमन, और राइट उसके पास ये है कि वो अपना क्या कहते हैं कंपेन भी करे। तो इमरान खान साहब ने जाहिर है सियासी कंपेन करनी है, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मरियम बीबी साहिबा ऑलरेडी सियासी कंपेन कर रही हैं, वर्कर कन्वेंशन से कभी कहीं पे खिताब हो रहा था, कभी 200 बंदों के सामने हो रहा था, कभी 150 बंदों के सामने हो रहा था, कभी बंदे ही कोई नहीं होता खाली कुर्सियों के सामने, कभी इंतजार करते रहते हैं कि कोई बंदे इकट्ठे हों तो हम करें, वरना उसको पोस्टपोन करके चले जाते हैं। तो ये सीन चल रहा था उनकी पॉपुलैरिटी का, जिसमें इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी तो एक हाइप पकड़ी हुई है ना, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। आप अंदाजा लगा लें कि एक शख्स अदालत का सामना करने जाता है तो वो सिर्फ अदालतों में पेशी के लिए जाता है, तो एक इतना बड़ा हजूम उसके साथ निकलता है कि अदालत की पेशी का टाइम गुजर जाता है, 3 दफा अदालतों को टाइम देना पड़ जाता है, लेकिन वो शख्स अभी तक वहां पर पहुंचा नहीं होता, क्योंकि लोग इतने हैं, क्राउड इतना साथ होता है जो उनके चाहने वाले हैं। तो इमरान खान साहब ने उसी हवाले से, और एक और उसमें चीज ऐड कर दूं कि जजेस के खिलाफ एक खास किस्म की मुहिम चलाई जा रही थी, तो इमरान खान साहब ने ये रैली का इनकार किया, एक ऐलान किया हुआ था कि ब्रोज बुध को हम इंशाल्लाह रैली करेंगे, 1 बजे हम उसका इनकार करेंगे, 1 बजे रैली जुलूस की शक्ल में एक क्या कहते हैं रूट से जाएगी, फिरोजपुरा से होती हुई इछरा से जमान पार्क से निकलेगी
और ये दाता दरबार पे जाके वाइंड अप हो जाएगी। तो ये पुरामन थी, जहर हमने जितना भी पिछले तारीख में देखा है, पीटीआई के जितने जलसे हमने देखे खास करके पुरामन ही रहे हैं उसमें, कोई मतलब के हाँ किसी ने उनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की है या उनको रोकने की कोशिश की है, तो उन्होंने ही आगे से शेलिंग वगैरह की है जो कल हमने देखा है। पीटीआई के लोग पुरामन रहे हैं और क्यादत जो पीटीआई की है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान साहब, उन्होंने कभी इश्तियाल अंगेजी वाली गुफ्तगू नहीं की कि इनको भी आगे से ऐसा जवाब दिया जाए ताकि अफरा तफरी ना हो, ताकि मुल्क में लाशें ना गिरें। हमने ये चीजें देखी 25 मई को, मैं आपको याद करा दूं कि 25 मई को भी यही हुआ कि हमजा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी पंजाब में, उन्होंने पूरी ब्यूरोक्रेसी को साथ मिला के इनको लाहौर में निकलने नहीं दिया। लाहौर में क्या, पूरे पंजाब में ऐसे लग रहा था जैसे कर्फ्यू, जैसे जम्मू कश्मीर बन गया ऐसे जम्मू लाहौर बनना पड़ा था और जम्मू ही पिंडी बनना पड़ा था। हर जगह पे अटक तक आपने देखा कि हमने वो सारी चीजें विजुअल देखी उनकी सोशल मीडिया पे स्क्रीनिंग पे, और तमाम लोगों को हमने देखा कि जो मार खा रहे हैं गाड़ियों के ऊपर, दहशत गर्दी की तरह मतलब के गुल्लू बट चढ़ गए हैं, ये सारे के सारे हमने टोला देखा। ये वही 25 मई का था जो कल जैसे ही, अच्छा मैं आपको बता दूं कि लीगली इमरान खान साहब को परमिशन मिल गई थी उस रूट के ऊपर कि आपने पुरअमन एहतजाज करना है या रैली निकालनी है, एहतजाज भी नहीं था बल्कि रैली थी, वो एक रैली थी, एक तो इलेक्शन कैंपेन का आगाज था और दूसरा उन्होंने अदलिया मुखालफ जो एक कंपेन चल रही थी उसको क्या कहते हैं कंडेम करने के लिए, उसकी मुखालफत के लिए, अदलिया की हमायत के साथ, अदलिया के साथ खड़े होने के लिए, एक उनकी हमायत के लिए एक रैली का इनकार किया था। तो ये जमान पार्क से दाता दरबार तक जाने थी, जैसे ही 11 बजे सुबह के तो हुकूमत ने 144 क्या कहते हैं दफा लगा दी और पूरे के पूरे मतलब लाहौर में, अच्छा मैं आपको बता दूं कि जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है, इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो जाता है, तो फिर इंटरिम गवर्नमेंट तो वैसे ही मतलब कि एक निगरान हुकूमत होती है, उसके पास इतने इख्तियारात नहीं होते हैं, लेकिन जब इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है, उसका शेड्यूल भी अनाउंस हो चुका है, तो फिर गवर्नमेंट कोई भी हो चाहे वो एक पुरअमन एहतजाज पुरअमन कंपेन करने से नहीं रोक सकती। ये फंडामेंटल राइट्स में आता है, जमहूरियत इसी ही कहते हैं। तो इन्होंने 144 दफा लगाया, फिर जैसे लोग आगे बढ़े और इन्होंने वही 25 मई वाला सारा सीन किया और वही मॉडल टाउन वाला आपने देखा, उसमें एक लड़का जो है वो जिले शाह वो भी क्या कहते हैं शहीद हुआ है, औरतों को औरतों के कपड़े फाड़े हैं, वाटर कैनन में ऐसी जहरीली गैस मिलाई हुई थी, कोई केमिकल मिलाया हुआ था कि जिसके ऊपर पड़ता था वो उसकी सांस बंद हो जाती थी, इस तरीके की मतलब के ऐसे लग रहा था कि जैसे अफगानिस्तान के लोग बॉर्डर क्रॉस करके आ गए हैं पाकिस्तान के अंदर, अब जना पाकिस्तान की जो क्या कहते हैं मुहिब्बे वतन सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो अब इन्होंने आगे चढ़ा दी हैं, अब वो तो दहशतगर्द लोग हैं टीटीपी के लोग हैं, तो इन्होंने अब इस किस्म की शैलेंज, इस किस्म का डंडा बरदार गुलू बट्स जितने ब्यूरोक्रेसी में इन्होंने ये क्या कहते हैं भर्ती करवाए हैं अपने अदवार में, और जितने लोग इन्होंने पाले हुए हैं बड़ी बड़ी तोंदों वाले, उन्होंने गाड़ियों में नहीं देखा कि बच्चे बैठे हैं बूढ़े बैठे हैं, उन्होंने सबको रोंदा है मारा है इसी तरीके से। और मजे की मैं आपको बात बताऊं कि फिर हुकूमत ने क्या किया कि पैमरा को डायरेक्शन दी है, पैमरा ने तमाम चैनल्स को कवरेज करने से बंद कर दिया है, तमाम न्यूज चैनल्स को, हालांकि ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही थी और मीडिया का काम होता है कि इंसानी हकूक की जहां पे खिलाफ वर्जी हो रही हो उसको रेज करना, डायरेक्शन जो भी आपके पास हो, लेकिन आपका जो क्या कहते हैं फर्ज है उसको आपने अदा करना है। तो आपने एक डायरेक्शन के ऊपर तमाम मीडिया चैनल्स ने जो भी है बोला है ARY जो भी है तमाम मीडिया चैनल्स ने कवरेज नहीं दी, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कैमरा की तरफ से
کیوں؟ کہ انہوں نے وہی گلو بٹانا والا کام کرنا تھا اور وہ کیا۔ اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اکیلے انٹرم سیٹ اپ کے ہاتھ میں اتنی پاور نہیں ہوتی ہے۔ انٹرم سیٹ اپ جو آتا ہے اس نے صرف اور صرف الیکشن کے اوپر فوکس کرنا ہوتا ہے، وہ اتنے اختیارات نہیں رکھتا ہوتا کہ یہ کیا کہتے ہیں چیف سیکرٹری والے اختیارات یا جو پراپرلی گورنمنٹ کے اختیارات ہوتے ہیں۔ تو یہ جو پاورز، یہ جو ڈائریکشنز، یہ جو کل کا ایکٹ ہوا ہے، اس کے پیچھے کوئی اور لوگ ہیں۔ وہ لوگ ہیں جنہوں جو 25 مئی کے پیچھے تھے، وہ لوگ ہیں جو ماڈل ٹاؤن کے پیچھے تھے، وہ لوگ ہیں جو ریجیم چینج کے پیچھے ہیں، وہ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے اسیسینیشن اٹمپٹ کے پیچھے ہیں۔ یہ وہ سارے لوگ ہیں جو الیکشن ملتوی کروانا چاہتے ہیں، الیکشن کے اندر رکاوٹیں بننا چاہتے ہیں، جو الیکشن نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ طاقتور لوگوں کو اس بات کی خبر ہو گئی تھی، رپورٹس چلی گئی تھی ان کے پاس ایجنسی کی، کہ اتنا بڑا کراؤڈ لاہور میں نکلنے جا رہا ہے جیسے ہی عمران خان صاحب نکلیں گے، کہ آپ جنرل الیکشن کی طرف وہ ایک پہلا قدم نظر آئے گا۔ اتنا لوگ نکلیں گے، اتنے لوگ کہ آپ کو لگے گا کہ ایک فضا قائم ہوگی جنرل الیکشن کی۔ تو یہ بات ان لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی، وہ تو پہلے ہی چاہتے ہیں کہ الیکشن کسی نہ کسی طریقے سے رکے، تو انہوں نے یہ ہرڈلز کریٹ کی تاکہ لاشیں گریں۔ یہ عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی کرنا چاہتے تھے ایک دو دن پہلے، تو اس کے آگے بھی عوام کھڑی ہوگی۔ یہ لاشیں گرانا چاہتے ہیں، یہ ایک معاہدہ ہوا ہوا ہے اور معاہدہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا ہوا ہے، ضد ہے جناب، حاجی صاحب نے معاہدہ کیا ہوا ہے اور اس میں ضد ہوئی ہوئی ہے۔ کہ ضد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی میری طرح نااہل ہوں، لیول پلینگ فیلڈ ہمیں ملے، میری طرح وہ نااہل ہوں اور پھر ہم اکٹھا الیکشن لڑیں، میرے بغیر الیکشن نہیں لڑنا ہے ایک چیز، یا پھر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے، اس کی پاپولیرٹی جتنی ہائی پکڑ رہی ہے اس کو کم کیا جائے۔ تو یہ سارا پری پلان تھا، مکمل پلاننگ تھی۔ مکمل پلاننگ کے ساتھ انہوں نے عوام کو جموں کشمیر سے بھی زیادہ مطلب کہ ٹارچر کیا۔ آپ نے دیکھا بوڑھے لوگوں کے منہ سے خون نکل رہے تھے، بچوں کے منہ سے خون نکل رہے تھے، مائیں بہنیں بیٹیاں سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی ان کو۔ یہ طریقہ کار جس کے اوپر اقوام متحدہ کے جو کیا کہتے ہیں جنرل سیکرٹری کا آگے ریپرزنٹیٹو ہے، اس نے بھی مذمت کی، انہوں نے کہا کہ یہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے ان عناصر کے خلاف، ان بلیک شیپس کے خلاف جنہوں نے یہ کام کیا ہے، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، یہاں پہ مطلب کہ مائٹ از رائٹ والا قانون نہیں ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو یہ ایکٹ اس نے یاد دلائی ہے کیا کہتے ہیں 25 مئی کی اور ماڈل ٹاؤن کی۔ تمام کے تمام عناصر، تمام کے تمام اعلی کار، تمام کے تمام وہی لوگ ہیں جو ان ٹائمز میں بھی موجود تھے، آج بھی وہی لوگ ہیں، ہینڈلرز بھی ان کے وہی ہیں اور یہ الیکشن سے رائے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو تو کچھ، عمران خان صاحب کا ارادہ بھی تھا کہ میں اگر خود نکلتا ہوں اور ریلی ختم نہیں کرتے، خود نکلتا ہوں تو عوام اتنی نکل آئے گی پورا لاہور امڈ آئے گا، اور جیسے لوگ نکل رہے تھے مار کھائی گٹ کھانے کے باوجود بھی نکل رہے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ نہیں خان صاحب، یہ الیکشن روکنا چاہتے ہیں، یہ ان کی ایک سازش ہے، اس کے علاوہ دفعہ 144 لگ چکا ہے اور اس کو ہم عدالت میں جا کے چیلنج کر لیں گے، تو یہ ابھی آپ نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے کیا تو یہ تو پہلے ہی تیار بیٹھے ہیں کہ الیکشن ہم ایمرجنسی لگائیں، الیکشن روکیں۔ تو تمام کے تمام جو طاقتور لوگوں کا پلان تھا وہ عمران خان صاحب نے کل فلاپ کر دیا، تمام کا تمام فلاپ کیا، کیونکہ الیکشن شیڈول الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری ہو چکا ہے، اب یہ کسی حالت میں بھی الیکشن روک نہیں سکتے۔ یہی ان کے پاس طریقہ کار تھا جو کل انہوں نے دوبارہ اپنایا، اور یہ ہمیں اس کا آئیڈیا تھا کہ یہ چیز ہوگی۔ تو یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، مزید اپڈیٹس آپ کے ساتھ کروں گا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔